गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है गोल्डन रेस, उससे फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है अ हीरो रिटन बाय आर के नारायण। अ हीरो हीरोइन नायक रिटन बाय आर के नारायण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर के नारायण जो ऑथर हैं, जो लेखक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आर के नारायण वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906। इट मीन्स 1906 में उनका जन्म हुआ था। वो द लीडिंग राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी कि इंडिया की, यानी डेफिनेटली वो बिलोंग करते हैं किसे, इंडिया से। और इंडिया की जो इंग्लिश राइटिंग है, इंग्लिश में जितने भी नॉवल्स लिखे गए, कई उपन्यास लिखे गए, उनमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। मोस्ट ऑफ अवर वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। उनके ज़्यादातर जो उपन्यास लिखे गए हैं और ज़्यादातर जो वर्क्स उनका काम उन्होंने किया है, वो एक साउथ इंडिया में जगह मालगुडी, वहाँ से लिया गया है। साउथ इंडिया में टाउन है मालगुडी डेज, और उनकी बुक का नाम मालगुडी डेज भी है। विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसके बारे में स्वामी और उसके जो फ्रेंड्स थे वो मालगुडी से बिलोंग करते थे। हिज फेमस नॉवल द गाइड, उनका जो फेमस नॉवल द गाइड है, देट हैज बीन वोवन इनटू द हिंदी फीचर फिल्म गाइड। और आपको बता दूँ, उनका जो नॉवल द गाइड है उस पर पुरानी मूवीज भी आ चुकी है, बॉलीवुड मूवी। याद हो तो आपको बहुत पुरानी मूवी गाइड, आप नेट पर सर्च करना, आपको मिलेगा गाइड मूवी। हिज वर्क्स डेपिक्ट द, इनका जो काम है, इनकी नॉवेल्स में, इनकी बातों में किस चीज़ का वर्णन है, सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर्स हु आर प्री एमिनेंटली इंडियंस, यानी जो विशेष रूप से क्या है, इंडियंस ही। ही इज वेल नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी इन प्रोज स्टाइल, यानी ये जाने जाते हैं अपनी सरलता के लिए, अपनी सादगी के लिए। दो चीज़ें प्रोज, आपको बता दूं, प्रोज यानी गद्य होता है, वर्स यानी पद्य होता है। ओके, तो अबाउट द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट के बारे में देखते हैं एक बार। हम दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण। ये कहानी मालगुडी डेज से ली गई है और जिसके ऑथर है आर के नारायण। इट इज ए स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड स्वामी, ये कहानी है स्वामी नाम के एक लड़के की, हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन डार्कनेस, जिसे अंधेरे में अकेले सोने से डर लगता है। याद रखना, ही इज मिस्टेकन टू बी अ हीरो, और गलती से उसे क्या मान लिया जाता है, हीरो, जबकि वो हीरो नहीं है, ही इज ए कावर्ड, वो तो डरपोक है। लेकिन स्वामी को गलती से लास्ट में क्या मान लिया जाता है, हीरो, पर वो हीरो है नहीं। हूज वन डेस्परेट एक्ट, जिसका एक निराशापूर्ण प्रयास, लीड्स टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द मोस्ट नोटोरियस थीफ ऑफ द एरिया, उस एरिए के जो मोस्ट नोटोरियस सबसे कुख्यात थीफ को, चोर को, रोबर को पकड़वाने में मदद करता है और उसे जेल भिजवाने में, बाय मिस्टेक, गलती से हो जाता है ऐसा। द बॉयज फादर कंपेल्स हिम, स्वामी के फादर उसे कंपेल करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं, मजबूर करते हैं, टू स्लीप इन डार्क रूम अलोन इन ऑर्डर, अगर अंधेरे में अकेले सोने के लिए, अकेले कमरे में, टू टीच हिम अ लेसन ऑफ करेज फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। स्वामी के फादर है, वो स्वामी को एक सबक सिखाना चाहते हैं। क्या सबक है, कि स्वामी को अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज मैच्योर, वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, तो ही शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। हिज फादर वॉन्टेड हिम टू बी करेजियस, स्वामी के फादर चाहते थे कि निर्भीक बने, उसे अंधेरे से डर ना लगे। लेकिन स्वामी पता है हमेशा कहाँ सोता था, अपनी दादी माँ के बगल में, इतना बड़ा होने के बाद भी, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उसे अंधेरे से डर लगता था। द बॉय हैज ए नाइटमेयर, नाइटमेयर क्या होता है पता है, एक डरावना सपना, हॉरिबल ड्रीम। उस बच्चों को हॉरिबल ड्रीम आया, डरावना सपना आया, इन विच ही इज चेज बाय टाइगर, और वो क्या देखता है उस सपने में, उसका पीछा कौन कर रहा है, टाइगर कर रहा है। एंड अवेकन्स ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ, जब वो जाता है तो क्या पाता है, लोनली, अपने आप को अकेला पाता है। एंड सी इज समथिंग मूविंग डाउन, और कुछ चीज उसे हिलती हुई नजर आती है, विच टर्न्स आउट टू बी अ बर्गलर, और वो हिलती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि एक डकैत होता है। और स्वामी किस तरह से, सोचिए, एक डरपोक लड़का किस तरह से इस कहानी का क्या बन जाता है, हीरो, है ना, आयरनी एक तरह की। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पेज। फॉर स्वामी इवेंट्स टू एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, स्वामी के लिए घटनाओं ने अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसके बारे में आशा नहीं, अप्रत्याशित टर्न लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, स्वामी के फादर ने न्यूज़पेपर के ऊपर से देखा, ही वॉज रीडिंग अंडर द होल लैम्प, और स्वामी के फादर जो थे ना वो क्या कर रहे थे, हॉल के लैम्प के नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसके ऊपर से देखकर उन्होंने क्या कहा, स्वामी लिसन टू, स्वामी बेटा मेरी बात सुनो, न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ विलेज लेड, लेड का मतलब बॉय, लड़का। इस न्यूज़पेपर में किसकी बहादुरी की कहानी है, एक गांव के लड़के की कहानी है।
वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बाय द जंगल पाथ, जब वो जंगल के रास्ते से आ रहा था, केम फेस टू फेस विद टाइगर, तो उस बच्चे का सामना किससे हुआ, एक टाइगर से हुआ। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, उस न्यूज़पेपर के पैराग्राफ में यह भी वर्णन किया गया था द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर, कि किस तरह से उस लड़के की टाइगर से लड़ाई हुई। एंड ही हिज फाइट अप, और वो चढ़ गया अप अ ट्री, किस पर, क्लाइंब चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। एंड स्टेड फॉर हाफ अ डे, और आधे दिन तक वहीं ठहरा रहा। टिल सम पीपल केम, जब तक कि कुछ लोग वहाँ नहीं आए और उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, दिस दैट वे एंड किल द टाइगर। बेटा कहानी क्या है, स्वामी के फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्वामी सामने बैठा है होल लैंप के नीचे। न्यूज़पेपर में एक बच्चे की कहानी है, किस बच्चे की कहानी है, गांव का एक लड़का था, लेड था, लेड यानी लड़का, जो जंगल से आ रहा था, उसके सामने कौन आ गया, टाइगर, लायन होता है शेर, तो टाइगर अलग होता है, बाघ, टाइगर आ गया। तो स्वामी क्या हो गया, स्वामी नहीं था वो, गांव का लड़का था, जब वो जंगल से आ रहा था, उसके सामने टाइगर आ गया, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए टू सेव हिमसेल्फ वो कहाँ चढ़ गया, पेड़ के ऊपर, और पेड़ पर तब तक रुका रहा जब तक कि वहाँ से कुछ लोग नहीं गुजरे, और लोगों ने क्या किया, उस टाइगर को मारा, और उसके उस बच्चे की टाइगर से क्या हुई थी, लड़ाई भी हुई थी। यानी उसकी ब्रेवरी यानी बहादुरी की क्या थी, कहानी थी, किसके अंदर, न्यूज़ पेपर के अंदर। और न्यूज़ पेपर कौन पढ़ रहा है, स्वामी के फादर। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसे पूरा पढ़ लेने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली, स्वामी के फादर ने फिक्सली यानी अपनी आंखों को एक जगह स्थिर रखकर स्वामी की ओर देखा और क्या कहा, व्हाट डू यू से टू दैट स्वामी, स्वामी तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। तो स्वामी ने क्या कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि फादर, कि पिताजी, पापा, मुझे लगता है कि वो जो लड़का है वो कोई बच्चा नहीं होगा, वो जरूर कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और ग्रोन अप यानी वयस्क होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक छोटा सा लड़का टाइगर से कैसे लड़ सकता है, वो छोटा तो होगा नहीं, पावर ज़्यादा होगी उसके अंदर। तो स्वामी के फादर ने क्या कहा, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, क्या तुम इस न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो, वाइजर ही बुद्धिमान, और वाइजर कंपेरेटिव डिग्री है। फादर स्नीयर्ड, स्नीयर्ड यानी मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए, मेकिंग फन ऑफ स्वामी, टोंट मारते हुए, ताना मारते हुए कहा कि बेटा तू समझदार है, न्यूज़पेपर समझदार है, तू ज़्यादा समझदार समझता क्या अपने आप को। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट टू बी कावर्ड, कावर्ड इज डरपोक। स्वामी के फादर ने क्या कहा, एक इंसान के अंदर ताकत हाथी जैसी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी क्या निकलता है, डरपोक निकलता है। वेयर इज, जबकि दूसरी ओर, अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव, कंजम्पटिव क्या होता है, जो टीबी होती है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है, उसकी रोग से पीड़ित व्यक्ति, बट इफ ही हैज करेज, पर उसके अंदर हिम्मत है, साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो कुछ भी कर सकता है। इधर देखिए स्वामी के फादर कहना क्या चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एलिफेंट यानी हाथी जैसी ताकत है, पर उसके अंदर क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो डरपोक ही तो हुआ। और एक ऐसा इंसान जो किससे पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, लेकिन उसके अंदर क्या है, करेज है, करेज यानी हिम्मत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब स्ट्रेंथ, ताकत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेंथ ताकत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हिम्मत यानी करेज इंपॉर्टेंट है। ताकत तो दुनिया में बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं होती है। स्वामी डिस्प्यूटेड थ्योरी, स्वामी ने इस थ्योरी का बीच में ही क्या किया, इसमें व्यवधान डाला, दखल अंदाज देते हैं। स्वामी ने क्या कहा, हाउ कैन इट बी फादर, फादर ऐसा कैसा हो सकता है, सपोज आई हैव ऑल दिस करेज, सोचिए फादर कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा साहस है, व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, अगर एक टाइगर मुझे क्या कर ले, अटैक कर ले, तो मैं क्या कर लूंगा। तो स्वामी के फादर को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या कहा, लीव अलोन स्ट्रेंथ, ताकत की बात तो तुम छोड़ो, कैन यू प्रूव, क्या तुम साबित कर सकते हैं, यू हैव करेज, कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत की बात तो छोड़, क्या स्वामी तू ये साबित कर सकता है कि तेरे अंदर हिम्मत है, साहस है, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन Tonight in my office room. Let me see if you can see, you can sleep alone. नहीं है ये alone है, alone. alone, में चेंज कर लेना. Tonight in my office room. स्वामी के फादर ने कहा कि तेरी हिम्मत मैं तब देखूंगा जब तू मेरे ऑफिस के रूम में क्या करेगा, अकेला सोएगा, अकेला alone. अब frightful यानी डरावना, और प्रपोजिशन यानी प्रस्ताव, स्वामी के लिए ये डरावना प्रस्ताव था क्योंकि फादर ने स्वामी को अकेले सोने के लिए कह दिया अपने ऑफिस रूम में। स्वामी थॉट ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी का मतलब ग्रैंड मदर, स्वामी हमेशा बिसाइड यानी बगल में या पास में, कहाँ सोता था, अपने दादी माँ के बगल में सोता था, इन द पैसेज यानी गलियारे में। एंड चेंज इन हिज अरेंजमेंट, और इस तरह की अरेंजमेंट में अगर थोड़ा बदलाव हो जाता,
केप्ट हिम ट्रेवलिंग, तो डर के मारे कांपने लग जाता एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात जागता रहता। यानी कि स्वामी की आदत थी बेटा, कहाँ सोने की, दादीमा के पास सोने की आदत थी। और कई बार क्या होता था, अगर उस सिचुएशन में थोड़ा सा भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता, तो स्वामी क्या करता, डर के मारे कांपने लग जाता। ही होप्ड इट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग। पहले तो स्वामी ने ये सोचा, उम्मीद थी उसके फादर केवल क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोकिंग कर रहे हैं। ही मंबल्ड, मंबल्ड ने बड़बड़ाया, स्पोक स्लोली, तो स्वामी ने धीरे से क्या बोला, यस हाँ फादर मैं सो जाऊंगा। उसको लगा पापा मजाक कर रहे हैं, और उसको पता नहीं पापा खतरनाक मूड में आपकी बात। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, स्वामी ने क्या किया, सब्जेक्ट यानी बात को बदलने की कोशिश की, जैसे तुम भी बदलते हो ना इस तरह से। उसने क्या कहा, वेरी लाउडली, बड़े जोर से, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, यानी बहुत जील से, उत्साह से कहा, क्या कहा, फादर आपको पता है वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, कि हमारे क्रिकेट क्लब है ना, हमारे स्कूल के आसपास का स्कूल का क्रिकेट क्लब है, वहाँ जो बड़े लड़के हैं उनका भी सिलेक्शन होने वाला है, पता है आपको, वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हमारे जो क्रिकेट क्लब है ब्रांड अच्छी क्वालिटी के बैट्स और बॉल खरीदने वाला है, और कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कैप्टन ने कहा है कि मैं आपको बता दूँ। बेटा ये टॉपिक कहाँ से आ गया, एक्चुअली स्वामी ने बात बदलने की कोशिश की, रेम्बल किया है, अपने फादर को भटकाने की कोशिश की है, क्योंकि ध्यान मुझसे हट जाए, फादर फादर ही होते हैं, बताया आपको। फादर ने क्या कहा, वी विल सी अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बातें बात करेंगे, यू मस्ट स्लीप अलोंग हियर आफ्टर, फिर से अलोंग आया, अलोंग के लिए क्या होना चाहिए, अलोंग, तुम्हें अब के बाद क्या सोना है, अकेले ही सोना है। स्वामी रियलाइज, स्वामी ने ये महसूस कर लिया कि द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, बियॉन्ड यानी परे, बहुत दूर, स्वामी को लगा ये मामला उसकी पहुँच से बहुत दूर चला गया। फ्रॉम अ चैलेंज, एक चुनौती से, इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, ये सिंपल सा एक प्लेन मुख्य आदेश बन चुका था, किसका आदेश था, स्वामी के फादर का। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी यानी जिद, जिद या दृढ़ निश्चय, स्वामी अपने फादर की जिद को, ऑब्स्टिनेसी को अच्छी तरह जानता था, कि उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया इन मच मोमेंट्स। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, स्वामी ने क्या कहा कि फादर नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट तारीख आएगी ना तब से अकेला सो जाऊंगा, ठीक है। तो फादर ने कहा नो यू मस्ट डू इट नाउ, अब से करना पड़ेगा, इट इज डिसग्रेसफुल, क्या था, डिसग्रेसफुल यानी डिसरेस्पेक्टफुल, अपमानजनक, बड़ी शर्मनाक बात है, स्लीपिंग बिसाइड ग्रेनी, अपनी दादी माँ के पास सोता है, बेशरम, और मदर लाइक ए बेबी, एक बच्चे की तरह माँ के पास सोता है, शर्म नहीं आती तुझे, यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, स्वामी तुम सेकेंड फॉर्म में हो, जानते सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेकेंड क्लास नहीं, फर्स्ट अवस्था होती चाइल्डहुड और दूसरी होती एडल्ट, यानी किशोर अवस्था। स्वामी के फादर कह रहे तुम कौन सी अवस्था में आ गए हो, किशोर अवस्था में, तुम बच्चे नहीं रहे, तुम मैच्योर हो रहे हो। आई डू नॉट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉट अप, ब्रिंग अप होता है किसी का पालन पोषण करना, फॉस्टर करना। और स्वामी के फादर क्या कह रहे हैं, जिस तरह से तुम्हारे मम्मी और तुम्हारी दादी तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। ही सेड लुक्ड एट हिज वाइफ, और किसकी ओर देखा, अपनी पत्नी की ओर देखा, हू वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो क्रेडल यानी पालना झूला होता है बच्चों का झूला, जिसके अंदर बेबी को सुलाते हैं, उसको क्या कर रही थी, झुला रही थी क्रेडल को। व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से, तो स्वामी की मदर को गुस्सा आया, क्या कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या मैंने बिगाड़ा है क्या आपके बच्चे को, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती, हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है यानी बहुत ही कम। स्वामी की मदर को लग रहा है कि स्वामी के फादर सारा ब्लेम मुझ पे लगा रहे हैं, कि स्वामी अगर अंधेरे से डरता है, अकेला सोता है, तो मतलब दादी माँ के पास है, तो गलती मेरी है। स्टूडेंट्स इसका रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे कल, थैंक यू।